सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। हेलो क्लास नाइन, क्या हाल चाल बच्चों, ठीक ठाक सबके सब। मैं अनुप कुमार आपके साथ आज आपके फैक्टराइजेशन के लास्ट टॉपिक के साथ, जिसका क्लास नंबर है फैक्टराइजेशन ए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉलीनोमियल, जिसका मतलब होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। इस तरीके से बच्चों हमें एक टॉपिक, एक फैक्टर दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा, उसके हमें फैक्टर करने होंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपको इसे याद करना होगा कि इसके फैक्टराइजेशन क्या होते हैं। समझ के याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा, फर्स्ट टर्म का क्यूब होगा, सेकंड टर्म का क्यूब होगा, थर्ड टर्म का क्यूब होगा, तीनों टर्म के लिखे होंगे, जुड़े होंगे, माइनस थ्री एक्स वाई जेड लिखा होगा। इसके जो फैक्टर बच्चे होते हैं वो पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर सेकेंड ब्रैकेट में तीनों का स्क्वायर, वो भी एडिशन में, फिर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस वाई इंटू जेड यानी सेकेंड थर्ड माइनस एक्स जेड यानी फर्स्ट इंटू थर्ड। ये फैक्टराइजेशन इसका टूटता है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इस तरीके से, इसके फैक्टर आपको करने के लिए क्वेश्चन बताइए तो आपको क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, आप देखिए किस तरीके से इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं और किस तरीके से हम इसके फैक्टर करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका है जो 2x माइनस y प्लस 3z इन अदर ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3yz माइनस 6xz। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे कह रहे हैं कि इसके फैक्टर करिए, इसको फैक्टराइज करिए। आप देख रहे हैं फॉर्मूला भी आपका एक्स वाई जेड में था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन दिया है वो एक्स वाई जेड में दिया हुआ है, हमसे कह रहे हैं इसके फैक्टर कीजिए। बच्चों ये फार्मूले जो है ये वाइस वर्सा होते हैं, आप देखेंगे तो आपको ये पोर्शन नहीं गिवन है, ये पोर्शन मिला। देखिए पहले तीनों स्टेप ऐड किए जा रहे हैं, पहले तीनों स्टेप ऐड किए जा रहे हैं, फिर पहले स्टेप का स्क्वायर प्लस दूसरे स्टेप का स्क्वायर प्लस तीसरे स्टेप का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक्स वाई। तो यहाँ माइनस प्लस तो डिपेंड करेगा कि वेरिएबल के पास कौन से साइन है। तो ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, यानी ये आपको इधर का पोर्शन दिया है। अगर इधर का पोर्शन दिया है तो हमें इधर का पोर्शन फाइंड आउट करना होगा कि आखिर ये जो ओपनिंग दी हुई है इसके पहले क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, कोई बहुत खास दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले को देखते जाएंगे और निकालते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेप निकालना है। तो देखिए बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, आप देखिए यहाँ लिखा है फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, यहाँ देखिए फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, यानी फर्स्ट स्टेप तो बच्चों हमारा 2x है यहाँ, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, तो फर्स्ट स्टेप का क्यूब किया जाता है, क्यूब कर देंगे प्लस सेकेंड स्टेप। बच्चों देखिए फॉर्मूले में y है, यहाँ माइनस y है, तो जाहिर सी बात है कि माइनस y ही आपको लेना है, इसका क्यूब कर देना है, ठीक है। प्लस थर्ड स्टेप देखिए z का क्यूब लिया जाता है, यहाँ z की जगह 3z है, फिर 3z का क्यूब ले लेंगे, ठीक। फिर माइनस लगाइए 3 x, x का मतलब फर्स्ट स्टेप तो 2x, सेकेंड स्टेप तो माइनस y, ध्यान रखिएगा। थर्ड स्टेप तो 3z, बस उधर का आ गया। अब इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं, क्या होगा बच्चों 2 × 4 × 8 एक्स क्यूब माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, वाई क्यूब ये प्लस ही रहेगा, 3 × 9 = 27 जेड क्यूब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बच्चों, 3 × 6 = 18 एक्स वाई क्यूब। ये देखिए आ गया कि जब हम इसको ब्रैकेट करेंगे तो फिर ये आएगा नीचे, ठीक है।
समझ आया ना, मतलब अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो फिर आप इसको निकाल पाएंगे। ठीक, अब इस आइडेंटिटी को लिखें और ऊपर वाले क्वेश्चन को निकालें या दूसरे क्वेश्चन को एक और फैक्टराइज करें। ये समझ आ गया सबको, देख लिया? चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन को फैक्टराइज करके इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बोर्ड पे लग गया है क्वेश्चन और हम इसका सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। बच्चों हमें इसका फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए देखिए, ये जो आइडेंटिटी है एक्स वाई जेड में लिखी है, तो फार्मूला अपना ए बी सी में लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला कहता है कि अगर ऐसी कंडीशन है यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, तो इसका जो ब्रैकेज होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये इसका ब्रैकेज। ठीक है, हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें देखिए ये पोर्शन क्यूब वाला पोर्शन दिया है, इधर का पोर्शन दिया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमको अगर ए बी सी पता चल जाए तो फाइंड आउट हो जाएगा, तो हम ए बी सी ढूंढने का प्रयास करेंगे। हियर ए इज इक्वल टू, कंपेयर कीजिए बच्चों, ए क्यूब दिया हुआ है, ए कितना होगा, इसका रूट क्यूब निकालेंगे तो टू आएगा, इसका एक्स हो जाएगा। ठीक, फिर बी कितना होगा, इस पर आइए, ये तो वाई ही होगा। फिर सी बच्चों कितना होगा, देखिए 3 × 9 = 27 हो गया, ये हो गया, एबीसी निकल आए, जहां जहां एबीसी है यहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, इसका ब्रैकेट क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी यानी 2x प्लस वाई प्लस 3j। ठीक, फिर ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वाई आएगा प्लस सी स्क्वायर तो 9 का जेड स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2xy, इजी बात होता है ना, थोड़ा सा लेंदी है। वाई जेड इसका इसका करेंगे तो 3yz माइनस फर्स्ट और थर्ड का करेंगे तो 3 × 6xz, ये देखिए आपका। ठीक, इसको ये क्यूबिक आइडेंटिटी, इसको इस तरीके से हम लोग ब्रैकेट करते हैं। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है बच्चों, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, बोर्ड ने क्वेश्चन में लगाया है, हमसे कहा जा रहा है इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए। इसमें लिखा हुआ है पी माइनस क्यू का होल क्यूब फर्स्ट टर्म, क्यू माइनस आर का होल क्यूब सेकेंड टर्म, आर माइनस पी का होल क्यूब थर्ड टर्म। ऐसा आपने अभी तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा है, लेकिन आपने कहीं ये नहीं पढ़ा केवल ये तीन स्टेप दिए हो क्यूब में, यानी इसको अगर हम ए मान लें तो ए क्यूब, इसको बी मान लें तो बी क्यूब, इसको सी मान लें तो सी क्यूब, इसके फैक्टराइज क्या हो, ये भी तक हमने देखा। तो बच्चों ये इसी आइडेंटिटी से आता है, क्योंकि देखिए इसमें ये स्टेप आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो ये अब इसके फैक्टराइज हम कैसे करें, तो इसकी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन, इसको जरूर आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा है क्या कि a प्लस बी प्लस सी अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए वो जीरो आ जाए, तो फिर ये जो कहानी है पूरी, ये जो पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके इस पूरे को जीरो बना देंगे। बस समझ रहे हैं ना, अगर a बी सी तीनों का सब जीरो आ गया तो ये जीरो इससे मल्टीप्लाई होकर के सबको जीरो बना देगा, तो यानी इधर का पोर्शन पूरा क्या हो गया, जीरो। तो बचेगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, थ्री ए बी सी को इधर ले आएंगे। अगर ऐसा है तो फिर जो इसके फैक्टर होंगे वो सिर्फ ये होंगे थ्री ए बी सी, यही आपका आंसर। तो देखते हैं क्या यहाँ ऐसा हो रहा है, क्या यहाँ हमारा ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा है, क्या तीनों स्टेप को ऐड करने से हमारा जीरो आ रहा है, देखते हो। तो देखिए ए बी सी तो आप जान गए, ए ए बी ए सी, उनको जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी। देखिए पी से पी बनेगा, क्यू से क्यू बनेगा, आर से आर बनेगा, यानी कि आ गया जीरो। जैसे जीरो आया तो फिर आप ये लाइन लिखोगे ए बी सी जीरो, देयरफॉर ये, तो फिर आपका आंसर क्या होगा बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, थ्री ए बी सी, यानी इस पूरे का आंसर आ जाएगा थ्री ए बी सी। तो थ्री लिखेंगे, ए की जगह क्या है बच्चों पी माइनस क्यू, बी की जगह क्या है क्यू माइनस आर, और सी की जगह क्या है आर माइनस। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपसे जरूर जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बोर्ड पे एक और क्वेश्चन लग गया आपकी एक्सरसाइज का है,
हमें इसके फैक्टराइज करने हैं, रूट का क्वेश्चन इसके मैं बता रहा हूँ। ऊपर मैंने जो आइडेंटिटी है उसको पीक्यू आर में लिख दिया, क्योंकि आपको जनरली क्वेश्चन पीक्यू आर में नहीं मिलता है, ए बी सी और एक्स वाई मिलता है, जिससे आप कंफ्यूज होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पी क्यू प्लस आर क्यू माइनस थ्री पी क्यू आर इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट पी प्लस क्यू प्लस आर इन सेकंड ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस माइनस क्यू आर माइनस पी आर। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिख लिया, अपना आइडेंटिटी लिख ली है। अब इसी बेसिस पे जो हमको फैक्टराइज दिया है उसमें हम ढूंढेंगे कि हमारे पी क्यू आर टर्म क्या होंगे बच्चों। ठीक है, आप यहाँ से इसको कंपेयर कर दीजिए, आप लिखेंगे हियर पी क्यू इज इक्वल टू टू रूट टू ए क्यू। ये तो है, यहाँ से हम पी निकालने का प्रयास करेंगे बच्चों, कैसे निकलेगा ये पी हम लोग देखेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसको तीन बार मल्टीप्लाई करते हैं तो टू रूट टू आ जाए। जरा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग रूट टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू, ये तो बन जाएगा बच्चों टू, ये यही रहेगा। यानी देखिए ये यही तो लिखा हुआ है, इसका मतलब बच्चों हम यहाँ पर p की जगह पे क्या लिख सकते हैं, p की जगह लिख सकते हैं therefore p is equal to under root 2, ये तो लिखा ही हुआ है, इसको भी समेट लीजिए, ये हमारा p हो गया। ठीक है, फिर आइए q पर, देखिए q को निकालना कैसा दिक्कत वाला था, 16 root 2। अब 16 root 2 जो होगा किसका होगा बच्चों, 2 root 2 का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 2 2 4 2 8, ठीक है, 16 कैसे करेंगे देखिए, इसका करिए क्यूब कितना आएगा, 2 root 2 into 2 root 2 into 2 root 2। अब देखिए 2 2 4 2 8, और फिर ये दोनों 2 बना लेंगे, 2 16 root 2। बात समझ आई, जब हम 2 root 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये स्टेप आएगा, इसका मतलब क्यों हमारा कितना होगा बच्चों, 2 under root 2, बी तो लगा ही लीजिए कब क्यू बन गया, ये हमारा क्यू हो गया। और आर में तो कुछ करने नहीं है, आर हमारा कितना है सी, ये हमारा पी क्यू आर आ गया बच्चों। अब ये पी क्यू आर की वैल्यू इस आइडेंटिटी में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, रखिए देखिए क्या आंसर आता है, इसको रख करें, देखिए पी क्यू आर पता चल गया, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू करेंगे। देखिए पी प्लस की यानी पहले वैल्यू में तीनों को ऐड करते हैं, इसलिए हमारा टेन टेन अंडर रूट टू ए प्लस 2 root 2 बी प्लस सी, फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, सेकंड ब्रैकेट में लिखिए पी स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो 2 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये बाहर है मुझे, प्लस जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो बच्चों क्या आएगा, देखिए जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, अंडर रूट 2 का करेंगे 2 आएगा, तो 4 2 8 आएगा, इसका करेंगे तो सी ही आएगा। ठीक है ना, फिर माइनस पी क्यू यानी इसका इसका मल्टीप्लाई हमें करना है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का, देखिए 2 तो ऐसे रहेगा, ये 2 बन जाएगा, 2 4 8, बस यही आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में सावधानी रखनी है। क्यू आर यानी इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं है, तो ये नंबर तो ऐसे ही रहनी है, यानी 2 under root 2 bc, फिर इसका इसका करेंगे यहाँ भी वही कहानी आएगी, माइनस अंडर रूट 2 bc, ये देखिए हमारा आ गया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे तो इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो कर लीजिए इसको और एक्सरसाइज लगाते रहिए बच्चों, क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज है 3G, ये एक्सरसाइज 3G के मोस्टली क्वेश्चन कर लीजिएगा, एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा, और कल से हम लोग शुरू करेंगे पॉलीनोमियल। तब तक के लिए गुड बाय।